तो कुछ नहीं करेगा कभी। जब देखो तो कहानियां देखता रहता है या कहानियां पढ़ता है। पता नहीं कब बड़ा होगा और कब समझदार बनेगा। बेटा सिर्फ कहानियां नहीं देंगे खाने को, कमाना भी पड़ता है पेट पालने के लिए। सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा बेटा। जब देखो तब एक ही बात, मुझे कोई कभी समझता ही नहीं है।
हाँ बोल। कहाँ हो यार, आ जाओगे नहीं क्या? कब से फ़ोन कर रहे हैं, उठा ही नहीं रहे हो। यार मैं रात भर सोया ही नहीं हूँ। क्यों बे, भौजी से बतिया रहे थे अरे क्या? नहीं बे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, कोई बात है क्या? मिलकर बताता हूँ। ठीक है। चल ठीक है, रख। सुन, कल रात को मैं किताब पढ़ रहा था और कुछ पन्ने पढ़ लेने के बाद मुझे उस किताब में कुछ अजीब सा दिखा। अजीब मतलब? लगभग 10 से 15 पन्ने पढ़ लेने के बाद मुझे कुछ वर्ड्स मिले जिन्हें किसी ने मार्क किए हुए थे। मार्क मतलब कैसे बताऊं? हाँ, जैसे हम कभी पढ़ते पढ़ते मार्क कर देते ना कुछ वर्ड समझ नहीं आता, तो ठीक वैसे ही। हाँ तो इसमें क्या है? हाँ तो फिर वही, मुझे लगा कि मेरे से पहले जिसने ये किताब पढ़ी होगी उसने ही मार की होगी समझने के लिए। हाँ। लेकिन यार क्या अजीब बात तो यह है कि जिस तरीके से वो वर्ड्स मार्क थे ना कुछ मैसेज टाइप बना रहे थे शायद। क्या मैसेज मतलब? वो समझने के लिए नहीं था भाई, तू खुद सोच। तुझे वो वर्ड समझ में नहीं आएगा ना जो हार्ड है, या फिर हेल्प मी और स्टक जैसे वर्ड तू समझ नहीं पाएगा, बता। अबे तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या है ये हेल्प मी स्टक, कुछ समझ में आ रहा है? रुक बताता हूँ। देखिए वर्ड्स, मुझे लगता है कि कोई है जिसने बुक में क्लू छोड़े हैं। शायद कोई कहीं फंसा हुआ है, या फिर शायद कोई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। अबे है तो ये बड़े अजीब तरीके से मांगते यार। भाई देख के बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है बता। अरे मतलब कौन ऐसे बुक में क्लू छोड़ता है, और कौन है जो ऐसे कंडीशन में फंसा हुआ है? अबे तू समझ रहा है, ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग और डरावना है। कंफ्यूजन तो बहुत है, बट एक चीज मेरे लिए इसमें सही है। इसमें क्या सही है भाई? जरा सोच के देख, ये सब अगर एक कहानी के रूप में सोचेगा तो क्या गजब की कहानी बन के निकलेगी ना। पकड़ो अपना फोन पकड़ो। साले मैं यहाँ पर टेंशन ले रहा हूँ, कोई मुसीबत में होगा, फंसा होगा, और तुमको अपनी कहानी की पड़ी है। जब देखो तब वही कहानी कहानी कहानी। अबे बाहर निकलो इन सबसे। रुक, ऐसा नहीं है, मुझे भी टेंशन है, तभी तो मैं सोचा कि पता लगाऊंगा कौन है, कहाँ फंसा हुआ है, आखिर ये सब सीन है क्या। आपको टेंशन है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप पता लगाएंगे। हाँ लगाएंगे, हमको सिखाएंगे। छोड़ हटा, तेरे से बोलना ही बेकार है। अच्छा ये बताओ, बोल, ये किताब लाए कहाँ से थे? अर्जुन के यहाँ कुछ दिन पहले गए थे, ये किताब वहीं पड़ी दिखे मुझे, अच्छी लगी तो उठाकर ले आए पढ़ने के लिए। उसके घर पर? हाँ उसके घर पे।
मतलब अब अर्जुन ही है जो हमें इस किताब के बारे में बताएगा, ये किसकी है और कहां से आई। वही बता सकता है। एक काम कर, चल चलते हैं उसके। चल। अर्जुन, अरे अर्जुन आया। आओ भाई, कहाँ हो? अरे आ रहा हूँ। अरे रवि, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अच्छा ये बताओ, अभिषेक कहाँ है? वो तो अपने कॉलेज गया लास्ट वीक ही। क्यों, क्या हुआ? एक काम कर, कॉल करो उसे जरा। तो हुआ क्या है, बताएगा? अरे कॉल तो करो एक बार। वो जो बुक लेके गया था याद है? हाँ, उसी के बारे में जानना था हमें। अच्छा, मोबाइल अंदर है, लेकर आता हूँ। ठीक है, जा। क्या हुआ भाई? यार उसने कॉल पिक नहीं किया, लगता है सो रहा होगा। एक काम करो, तुम लोग बैठो, चाय बनवाता हूँ तुम लोग के लिए। नहीं नहीं रहने दे, यहाँ नहीं, चल चाचा के यहाँ चलते हैं, वहीं चाय पी लेंगे और वहाँ से फिर अपने अड्डे पे चलेंगे, फिर सारी बात तुझे वहीं बताऊंगा। अच्छा बस दो मिनट रुको, चेहरा धुल के आता हूँ। थोड़ा जल्दी करना। ठीक है। देखते हैं, चल चलते हैं। अरे हुआ क्या है, बताएगा? मुझे भी कुछ घबराहट सी हो रही है। यहाँ जब भी आओ एकदम अलग ही सुकून वाली फीलिंग आती है। हाँ सो तो है। आओ चल नीचे चल। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? आओ ना चल चलते। अरे यार, अरे यार, यही बात। अरे नहीं यार, चल चल चल, देख के ना। आओ ना बे। अबे पागल हो क्या तुम लोग, डरते काहे हो? आओ। अरे यार उधर। अबे डर क्यों रहे हो? आओ। यार वो अभिषेक अभी तक कॉल बैक नहीं किया, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है उन सब वर्ड्स को लेकर। समझ में नहीं आ रहा है कि अभिषेक को वो बुक मिली कहाँ से होगी। अरे इतना मत सोच, पहले कॉल कर उसे और पूछ। हाँ अभिषेक, अरे सो रहे थे क्या?
अच्छा अच्छा छोड़िए सर, एक बात बताओ, वो जो रवि बुक लेके गया था वो बुक तुम्हारे पास कहाँ से आई थी? अरे वही बुक जो रवि ले गया था, अरे वही जो कुछ दिन पहले रवि ले गया था बुक। यार रवि, हाँ एक काम कर, उसको बुक की फोटो भेज, उसे समझ नहीं आ रहा किस बुक की बात कर रहे हैं। अच्छा रुक, भेज रहा हूँ। भेज भेज दिया, बोल दे। हाँ चेक करो, मिली क्या? अच्छा ओके ओके, चलो चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये कह रहा है कॉलेज जाना है ना तुम्हें? अच्छा ओके चलो रखता हूँ, ठीक ठीक बाय। क्या हुआ, क्या बोला बता? यार वो सटी में रद्दी वाला नहीं है, हाँ हाँ उसको वो बुक वहीं से मिली थी, गया था अपनी कुछ बुक्स लेने, फिर उसको वो बुक पसंद आ गई, वहीं से लेके आ गया। अच्छा हाँ। वैसे एक बात बता। बोल। ये जो कुछ भी तू बोल रहा है वो कहीं मजाक तो नहीं है ना? अरे यार पागल है क्या, ये सब कोई मजाक करने वाली चीज है? तू भी ना यार। फिर आप चलो बे। यार रमा, हाँ कैसे पता चलेगा इस किताब के बारे में? ए हाँ वही है कि ये दुकानदारी बताएगा कि किताब किसकी है और कहाँ से आई। पर यार सोचो, उसके पास न जाने कितनी किताबें आती जाती होंगी दिन भर में, उसको इस छोटी सी किताब के बारे में कहाँ से याद होगी? और अभिषेक को भी वो किताब खरीदे हुए न जाने कितने दिन हो गए, और तुम्हारे पास भी तो कई दिनों से पड़ी थी। हाँ, ये बात भी सही है, कोई फायदा नहीं है, शायद ही उसे कुछ याद हो। अबे तुम लोग इतनी जल्दी नेगेटिव कैसे हो जाते हो यार? एक बात बताओ, इसके अलावा और कोई रास्ता है तुम लोगों के पास, और कोई तरीका? नहीं। तो फिर एक बार जाकर बात करने में क्या हर्ज है, आखिर में कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही ना। हाँ हाँ ये बात भी सही है, और वैसे भी हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते ना, फिर मेरी कहानी का क्या होगा? बक्सल बे, लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी दिख रहा है ये। हाँ सो तो है, क्या करे, किसी और टाइम आए क्या? पागल हो क्या, कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं है कि दिन भर बिजी रहेगा। तुम रुको मैं आता हूँ बात करके। ठीक है जा। पागल है साला, कब से पूछ रहा हूँ किताब के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है, खाली बोल रहा है क्या क्या क्या, चूतिया कहीं का। अच्छा मैं ट्राई करूँ क्या? रुक रुक थोड़ा सोचने दे। एक काम करो, ये किताब दो मुझे, मैं बात करके आता हूँ। आता हूँ ना। ठीक है जा।
अबे क्या था वो सब? एक बात बता, तूने उसे पैसे क्यों दिए? बेटा उसे एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, तुमको कैसे पता होगा पैसे की क्या वैल्यू है? न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ हाँ ठीक है, बताएगा क्या बात हुई कि बस खाली ज्ञान ही पलता रहेगा। चल बोल क्या बात हुई। जब मैं पहली दफा उसके यहाँ गया तो उसने वही सेम डायलॉग मारा जो अर्जुन ने कहा था। क्या? वही कि दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं साहब, न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, न जाने कितनी किताबें आती जाती रहती हैं, अब ऐसे में एक किताब के बारे में कैसे याद रख पाएंगे? हाँ फिर? फिर क्या, जब मैं दूसरी दफा गया तो मैंने सबसे पहले अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, पैसा। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और वो किताब दी और कहा कि अगर इस किताब से संबंधित आपके पास कोई भी जानकारी है तो दीजिए। बस यही है कि अब आधे घंटे में हमें उस किताब के बारे में कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट बिफोर रेजोल्यूशन, वाह। क्या क्या क्या? ना ना कुछ ना, बोल क्या बोल रहा था। साले तुम फिर अपनी किताब से रिलेटेड कुछ बोले हो ना। अरे नहीं भाई, तुम नहीं सुधरोगे। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। यार रमा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो सकता है यार? कुछ तो और हो सकता था ना? और क्या ही हो सकता है बताओ। मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ कि इतनी आसानी से सब कुछ कैसे खत्म हो गया। अच्छा क्या बोला था उसने? नॉर्मल शर्ट और जींस पहनी थी। हाँ। फेस पे मास्क और गॉगल्स थे। दात तेरी का, जब से ये कोविड आया है कौन है क्या है साला कुछ पता ही नहीं चलता है। जिसको देखो मास्क। वही तो प्रॉब्लम है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा डेट क्या बोला उसने? अब डेट का क्या ही होगा, 25 दिसंबर 2021, पिछले साल की बात है। उसने कहा एक आदमी आया था, उसने कुछ मैगजीन्स दी और एक किताब और देकर चला गया। मैंने उससे पूछा कुछ नंबर वंबर कुछ तो दिया होगा, उसने बोला नहीं साहब, रजिस्टर में बस इतना ही लिखा है तारीख। भाई क्या कार कैसे था कुछ पता है? अब बोल तो रहा था कि पैदल था, अब पता नहीं देखा भी है कि ऐसे ही बोल रहा है। हाँ उसने कहा कि उसने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, मतलब रईस टाइप का लग रहा था। यार मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अरे हाँ वो मैगजीन, उससे कुछ पता चल सकता है? मैंने पूछा उसके बारे में उससे, उसने कहा कि वो मैगजीन्स उसने ठेले वालों में बेच दिए और ठेले पर अभी तक उसमें चाट और पकौड़ी बढ़ गए होंगे। बात खत्म।
जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। क्या यार? क्या बे, कल रात तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं सो गया था यार। तो कल रात भी सोया नहीं है क्या? नहीं बे। क्यों, उस किताब से रिलेटेड कुछ मिला तुझे? मैंने कल रात थोड़ा और रिसर्च किया उस किताब पर, और मुझे लगता है कि वो जो वर्ड थे ना, वो बहुत पुराने थे, और शायद जिसने बीमार किए होंगे वो अब तक जिंदा भी ना हो।